ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 22/11/2024 के। आज की मुरली के सार में विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा कहे, शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे बच्चों को भी बनाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं पास विद ऑनर्स बनाने के लिए। फिर कहा, तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वह जो है जैसा है उनको जानना है, अर्थात बच्चों को, स्टूडेंट्स को बाप का रिगार्ड रखना होता है। और विशेष कहा कि रिगार्ड रखना किसको कहा जाता है, कि बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना, गोया बाप का रिगार्ड रखना। और साथ में कहा, बाप बहुत मीठा है तो बच्चों को भी बाप समान मीठा बनना है। अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहने चाहिए। बाबा कहे, हर एक अपने से पूछे, क्या हम ऐसे कापारी अपार खुशी में रहते हैं। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी है, या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाबा कहते हैं, जिन रोया तिन खोया, अगर रोए तो विश्व की ऊंचते ऊंच बादशाही गवा बैठेंगे। फिर कहा कि तुम बच्चे यहाँ आए हो नरसे नारायण विश्व का मालिक बनने, तो ऐसे स्टूडेंट्स की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। तो अपने को देखना है, क्या हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लायक बने हैं। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, स्वतंत्र लाइफ बनाते हैं, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं, तुम विश्व के मालिक इंडिपेंडेंट बनते हो, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। और फिर दूसरों को भी विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। फिर श्रीमत के लिए कहा कि बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बच्चे कहते हैं, बाबा जैसे आप चलाओ। और कहा, बच्चों को अपनी मत व मनुष्य मत पर नहीं चलना है, जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहते हैं, उस मत पर चलने से तुम कौड़ी जैसे बन गए हो। अब एक राम शिव बाबा की मत पर चलने से तुम हीरे तुल्य बनते हो। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर बाप की मत पर चलना है, कभी यह नहीं सोचना है कि यह शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा बाबा की मत है। हमेशा समझो हमें शिव बाबा मत देते हैं। और गारंटी देते हुए कहा कि बाप खुद कहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और निश्चय बुद्धि की पहचान बताई कि वह कभी घुटका नहीं खाएंगे, कभी अटकेंगे नहीं, कभी घाटा नहीं डालेंगे। फिर बहुत ऊंचा नशा दिलाते रूह रिहान सुनाई कि बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तहान के पेपर कहाँ से आते हैं। तो बच्ची ने बोला, लंदन से। तो बाबा कहे, अब तुम बच्चों के पेपर्स कहाँ से निकलते हैं, ऊपर परमधाम से। बाबा कहे, अंत में यह सब साक्षात्कार करेंगे, यह कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची नॉलेज है, कितनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप के श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है, मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मीठे बच्चे, बाप के श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है, मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा। फिर से, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा। उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भल सबके कनेक्शन में रहो, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं,
बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझ एक बाप को याद करो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट है, कभी भी याह उसे नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारे चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजयी है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती हैं। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आज बाबा ने दुआओं के पात्र बनने के लिए विधि बताई कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें फुल स्टॉप लगाने की अगर कला आ जाए तो स्वयं को स्वयं से भी दुआ मिलेंगी और बाप द्वारा भी, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजय बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजय बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 22 नवंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्वशक्तियाँ स्वतः उसके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाए तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो अविनाशी साथी है। कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख कर सफलता मूर्त बनो। आज बाबा ने सफलता मूर्त बनने की सहज विधि बताई कि सदा सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड रहो। कहा जाता है ना, जहाँ साथी सर्वशक्तिमान होता है वहाँ हर असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है और हर कार्य में निश्चिंत भी रहते हैं, क्योंकि साथ में सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।